नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं NH1। आज खबर आ रही है सांबा से, जहां पे अमृतसर से आ रही एक इनोवा गाड़ी खाई में गिरती है और उसमें 6 लोग सवार थे, जिसमें से 5 की मृत्यु हो जाती है और 6ठा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। हम आपको बता दें, जो मृत हैं वो कश्मीर इलाके से हैं और उनमें गुलजार अहमद भट्ट 60 वर्ष, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। जाना बेगम, वुमेन ऑफ गुलजार अहमद भट्ट, उम्र 60 वर्ष। मोहम्मद इकबाल 30 वर्ष। मसरत जान, पुत्री गुलजार अहमद भट्ट, उम्र 20 साल। अज्ञात, जिनका अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। इन 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 6ठा व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल है। DC सांभा अनुराधा गुप्ता ने जो मृत हैं उनके लिए 1 लाख रुपए और घायल व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए की राशि घोषित की है। इन लोगों का जो पार्थिव शरीर है अब वो भेजा जाएगा। हालांकि जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है सांभा हॉस्पिटल में। ये देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट यहाँ पे एक्सीडेंट सुबह हुआ है। 6:30 के लगभग पुलिस को किसी लोकल पर्सन ने इन्फॉर्म किया। उसके बाद इमीडिएटली टीम्स वहाँ पहुँच गईं और उनको वहाँ देखा गया कि 5 डेड बॉडीज़ वहाँ मिली हैं और 1 पर्सन इंजर्ड हैं और उनको यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया है। तो जो हमें अभी इनिशियल रिपोर्ट्स मिली हैं उसके मुताबिक एक सरपंच हैं मुश्ताक अहमद भट्ट, ब्रा शंगुस अनंतनाग के, उनके ये फैमिली मेंबर्स थे। उनके फादर गुलजार अहमद थे और उनकी मदर जारा बेगम और एक भाई और बहन इकबाल और एक उसमें उनकी मसर्रत नाम से उनकी सिस्टर। तो ये 4 मेंबर्स जो उनकी फैमिली के थे मुश्ताक अहमद भट्ट साहब की, और एक और पर्सन साथ ही में थे जो अमृतसर से ये गाड़ी आ रही थी। अमृतसर में कहीं एक और कोई पर्सन किसी और फैमिली के हैं, उनकी डिटेल्स हम पता कर रहे हैं, मोहम्मद अकबर नाम से, तो वो भी अनफॉर्चुनेटली डेड हैं। और एक पर्सन साकिब नाम से जो वो भी गाड़ी में थे, तो और अभी तक जो हमें पता चला है वही ड्राइव कर रहे थे, बट वो ही इज़ सेफ एंड वो अभी उनका हम CT स्कैन और बाकी जो भी ट्रीटमेंट है वो कर रहे हैं। थोड़ा शॉक में है, अभी बता नहीं पा रहे हैं डिटेल्स, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ हॉस्पिटल में। मुश्ताक अहमद भट्ट साहब से मेरी बात हुई है, वो अनंतनाग से आ रहे हैं और अभी रास्ते में कहीं रामबन में हैं। मैंने DC रामबन से भी बात की है, वो वहाँ पर उनको जो भी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं वो उनको देंगे, क्योंकि वहाँ शायद लैंडस्लाइड में वो कहीं फंसे हुए हैं, तो उनकी वहाँ मदद हो जाएगी। DC रामबन उनके साथ इन टच हैं और यहाँ पे, और उसके अलावा मेरी DC अनंतनाग से भी बात हुई है, उन्होंने कंफर्म किया है कि ये सरपंच वहाँ के मुश्ताक अहमद भट्ट सरपंच हैं। उसके अलावा यहाँ एक चीज़ थोड़ा बताना चाहूँगी कि इमीडिएट जो हमारी तरफ से रिलीफ है उसमें 1 लाख रुपया पर जो डिसीज्ड है उसको हम रेड क्रॉस से रिलीफ देंगे, और 50,000 जो इंजर्ड हैं एक उनको भी हम ये देंगे नेक्स्ट ऑफ किन। तो अभी हम यहाँ से उनकी बॉडीज़ जो है वो अनंतनाग भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं, उसी के लिए हम वेट कर रहे हैं। अभी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट जैसे ही होती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती हैं, तो वो हम, मैं पर्सनली और मेरी टीम पर्सनली यहाँ सुपरवाइज़ कर रही है, तो उनको हम यहाँ से भेजेंगे।